ये आप जितनी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस देख रहे हैं, इन्हें आप किस तरीके से तैयार करेंगे वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने ये वाली केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सेलेक्ट की है, तो इसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस रिएक्शन इक्वेशन को साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूँगा, सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं F8 की का यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 6 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, तो हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहली वाली सिलेक्ट करता हूँ, तो इसे मैं टाइप करता हूँ। आप शिफ्ट की के साथ 8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टार सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्पेस लूंगा 2F SE SO4। तो आगे का हम टाइप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा Ctrl+A की के साथ, और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 12 point, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। और यहाँ पे मैं फॉन्ट ले लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप ये जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एरो दिया हुआ है डेल्टा के साथ, इस पार्ट को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसके लिए आप सिंपली एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं काउंटिंग के साथ स्पेस प्रेस करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे मैं Ctrl+F प्रेस करूँगा, small E 2 O 3 plus SO 2 plus space SO 3। तो ये फर्स्ट वाली जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने आपको बोल के टाइप करके बताया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है हम उन्हें इजी तरीके से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 को सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+T प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट है, यहाँ पोजिशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ सबस्क्रिप्ट ऑटो पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ, सपोज एक एग्जाम्पल 18, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ से इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 सबस्क्रिप्ट में हो गया है। तो मैं इस तरीके से इसे सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C के साथ कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा इस तरीके से, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, और यहाँ 2 प्रेस कर दूँगा, इसको हटा दूँगा, और यहाँ भी इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं 4 टाइप कर दूँगा, और 3 को रिमूव कर दूँगा, और Ctrl+Space से खाली जगह पे क्लिक करूंगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का रेस्पॉन्स आ रहा है। F5 की के साथ मैं यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन लेता हूँ, इसे एरो में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ये जो डेल्टा सिंबल देख रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं F8 की का यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा D, इसे Ctrl+A की के साथ सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज कर दूंगा सिंबल, मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ 12, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। इसको इस तरीके से मैं ड्रैग कर दूंगा, आप इसको चाहो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इतना। ठीक है, वापस से मैं अनजूम करता हूँ। अब आप देखिए, अब मैं यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है मैं इन्हें टाइप करता हूँ, तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। राइट वाली केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज है। इस वीडियो ट्यूटोरियल से बस आपको एक आइडिया, एक पैटर्न लेना है कि इस तरह की किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।